कृषि उपज मंडी चुनाव में भी शैक्षणिक योग्यता लागू की जाएगी। पंचायत चुनाव के तर्ज पर शैक्षणिक योग्यता लागू की जाएगी कृषि मंडी चुनाव में। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने इसकी घोषणा की है। विधानसभा में प्रभुलाल सैनी ने इस बात का ऐलान किया है कि कृषि मंडी चुनाव के दौरान अब शैक्षणिक योग्यता लागू होगी। पंचायत चुनाव के दौरान भी सरकार ने शैक्षणिक योग्यता लगाई थी और अब कृषि उपज मंडी चुनाव में भी शैक्षणिक योग्यता लागू होगी। पीयूष शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर जानकारी के लिए जयपुर स्टूडियो से। पीयूष, कृषि मंत्री ने घोषणा तो कर दी है कि कृषि उपज मंडी चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू होगी, कितने पास होने चाहिए इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, जब सदन में आज संशोधन विधेयक पर बहस चल रही थी उसका जवाब देने के दौरान ही जो कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी है उन्होंने ये घोषणा जारी करी है। जो मंडी चुनाव होते हैं, हालांकि किस तरह की शैक्षणिक योग्यता रहेगी, क्या मापदंड रहेंगे, अलग अलग जो आरक्षित जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए किस प्रकार की योग्यता रहेगी, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं करा, लेकिन इस बात को लेकर आश्वासन किया है और इस बात के लेकर घोषणा करी है कि जब अगले चुनाव कृषि मंडियों के अगले चुनाव होंगे उसके पहले जो शैक्षणिक व्यवस्था का जो प्रावधान है वो जोड़ दिया जाएगा। मतलब पंचायत राज चुनाव में जिस तरह और आठवीं पास जो लोग हैं वो ही चुनाव लड़ सकते हैं पंच सरपंच का, उसी तरह सेम कृषि उपज मंडी के जो चुनाव रहेंगे उसमें भी अगली बार के चुनाव से पहले इस प्रकार का प्रावधान डाल दिया जाएगा। और लेकिन इस प्रावधान में जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो क्या रहेगी इसको लेकर अभी फिलहाल कोई खुलासा सदन के भीतर कृषि मंत्री ने नहीं किया है। जी धर्मराज, और ये जो चुनाव होंगे स्वाभाविक है कि पंचायत चुनाव से पहले जिस तरीके का विरोध हुआ इसमें भी विरोध के सुर उठेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता? देखिए, सरकार कोई नया प्रावधान जोड़ती है, खासतौर पर जो शैक्षणिक योग्यता की कभी बात की जाए तो उसका विरोध होता है, क्योंकि गांव से जुड़ा चुनाव था, ग्रामीण इलाकों से जुड़ा चुनाव था पंचायत राज चुनाव, इसी तरह कृषि मंडी की भी कभी बात की जाए तो अधिकतर जो काश्तकार है, बड़े काश्तकार है या उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो ही इससे जुड़े रहते, वही इन चुनावों में पार्टिसिपेट करते, तो ऐसी स्थिति में उनके जो शैक्षणिक व्यवस्था की कभी बात की जाए ज्यादा पढ़े लिखे वो भी नहीं होते, तो निश्चित तौर पर प्रावधान लागू किया जाता है तो इसका विरोध होना भी लाजमी है। जी, ये आने वाले जो चुनाव है वो कब तक है, कृषि उपज मंडी के चुनाव है? देखिए, कृषि उपज मंडी के चुनाव की जहां तक बात की जाए धर्मराज, मैं आपको बता दूं प्रदेश में 2000 से ज्यादा कृषि मंडियां है, तो वहां पर अलग अलग जो सत्र बने हुए उस दौरान चुनाव होते हैं। किसी एक लंबी की भी बात की जाए तो राजस्थान के चुनाव की कभी बात की जाए मंडियों की, तो हर मंडी के लिए अलग से एक समय निर्धारित है कि इतने समय अवधि के बाद इसका चुनाव होगा, एक निर्धारित स्थिति नहीं है कि एक साथ सबके चुनाव हो, तो ऐसी स्थिति में अलग अलग जो तिथियां है उन पर उनके चुनाव होंगे। लेकिन अगले चुनाव, मतलब अभी जो डिस्टेंस की कभी बात की जाए, कम से कम 3 से 4 महीने के बाद ये चुनाव होना शुरू होंगे, तो इस भीतर जो प्रावधान है, नया प्रावधान है, उसको लाने की बात कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कही है। यानी कि माना जा सकता है कि सत्र के दौरान ही या सत्र खत्म होने के बाद सरकार की ओर से न्यूनतम योग्यता क्या होगी उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी देखिए, चूंकि सत्र में अब 3 दिन ही बाकी है, 9 तारीख को सत्र खत्म हो जाएगा, तो इस सत्र के दौरान तो इस प्रकार की कोई जो कानून बनने की बात नहीं आ सकती, लेकिन इस सत्र के बाद जो शैक्षणिक योग्यता का जो प्रावधान है, क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, मिनिमम योग्यता क्या रहेगी, उसको लेकर जो निर्धारित ऐलान है वो कर दिया जाएगा, उसके लिए जो मापदंड है वो तय कर दिए जाएंगे ताकि उसको कानूनी जामा जो पहनाने का काम है वो शुरू हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। चले बढ़ते आगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार 25 अप्रैल को राजस्थान आ रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अमित शाह के दौरे की तैयारी में जुट गया है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई है जिसमें सदस्यता अभियान और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। सदस्यता का टारगेट पूरा नहीं हुआ है लेकिन प्रदेश आलाकमान को यकीन है कि टारगेट पूरा होगा और शाह उन्हें शाबाशी देंगे। सवाल यही है कि क्या शाह शाबाशी देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 25 अप्रैल को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वो जयपुर में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद अमित शाह पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। प्रदेश संगठन चाहता है कि शाह के आने से पहले राजस्थान में 95 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट पूरा कर लिया जाए, जिससे आलाकमान खुश हो जाए और शाबाशी भी मिल जाए। आज हमारी 69 लाख का हमने क्रॉस कर लिया है। मैं समझता हूं जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयपुर पधारेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान प्रदेश का कार्यकर्ता, बूथ स्तर का कार्यकर्ता इस लक्ष्य को, 85 लाख के लक्ष्य को पूरा करें।
जहां अमरूदों के बाग में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। ऐसे में समारोह भव्य हो और इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे, इसके लिए प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेशाध्यक्ष परनामी की माने तो शाह के दौरे से पहले संगठन का निचले स्तर तक विस्तार यानी बचे हुए 7 जिलों की कार्यकारिणी और मोर्चों की कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा। आदरणीय अमित शाह 25 अप्रैल को जयपुर आ रहे हैं, जिससे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी मंडल स्तर के हमारी जो अपना संगठन है, मंडल स्तर की तक की कार्यकारिणी, जिला स्तर तक की कार्यकारिणी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे सभी जन प्रतिनिधियों को यहाँ पर आकर के अपना संबोधन देंगे, अपनी बात कहेंगे। बहरहाल पार्टी के मुखिया के आने का सभी बीजेपी नेताओं को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उससे पहले टारगेट पूरा करने का भी काम प्रदेश संगठन के लिए चुनौती भरा काम होगा। जयपुर से पीयूष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार। राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो स्वाभाविक है तैयारियां भी जोरदार होंगी, और ऐसे में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद आ रहे हैं तो कार्यक्रम भी खास हो जाता है। और अब ऐसे में चुनौती प्रदेश बीजेपी के लिए है कि कम से कम जो एक लक्ष्य दिया गया है 85 लाख पूरा करने का सदस्यता अभियान का, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन अब जो बीजेपी ने लक्ष्य राजस्थान को दिया है कि उसे कैसे पूरा किया जाए, अगर उसे पूरा कर लेती है तो संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से पार्टी को शाबाशी भी मिलेगी। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बीकानेर से, जहां पर सांसद अर्जुन राम मेघवाल की अनोखी मांग है, साइकिल से संसद जाने की मांग अर्जुन राम मेघवाल की ने रखी है। एक वरिष्ठ सांसद है, इससे पहले भी संसद सदस्य रह चुके हैं और पुरस्कृत भी हो चुके हैं संसद से अच्छा काम करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद मेघवाल ने मांग की है। जजों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि साइकिल इस्तेमाल की जाए। हमारे साथ बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल साहब खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेघवाल साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। ये जो मांग आपने रखी है, टेक्निकली अगर इसे देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से कितना जायज मानते हैं आप? हेलो, आवाज आ रही मेघवाल साहब? हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? मेघवाल साहब, आपने जो मांग रखी है तो नायाब, लेकिन अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो मांग कहाँ तक जायज है? इसीलिए हमने तो ज्वाइंट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी वाली है जी, उसी के चेयरमैन से हमने मांग की है कि मेरा 20 विंटर प्लेस पे हाउस है, वहां से मुझे अनुमति दी जाए जी। तो अंदर आते समय तो कोई सिक्योरिटी वाला नहीं, रास्ते में थोड़ा सा है, ध्यान रखे, मैं तो साइकिल से आना चाहता हूँ, ये मैंने मांगा है। लेकिन फिर भी अब देखिए लूटिंग जोन कितना बड़ा है, ये आप अगर निजी तौर पर अपने लिए मांग रहे तो ठीक है, अगर और सांसदों के लिए अगर आप मांग करते हैं, आपके जैसे कई सांसद इच्छा रखते भी होंगे, तो लुटियन जोन बड़ा है, वहां से अगर आप संसद तक जाइएगा तो बीच में कितने रेड लाइट्स आते हैं, सुरक्षा का एक प्रश्न जरूर खड़ा होगा। हाँ, सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होगा, इसीलिए तो ये कमेटी इस पर विचार करेगी जी। लेकिन मेघवाल साहब देखिए, प्रधानमंत्री ने जो मांग रखी और आप उसका समर्थन कर रहे हैं, आपने मांग की, वाकई ये नायाब है, एक नजीर बनेगा, इसे जो भी जनता इसको देख रही होगी, सुन रही होगी, उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि अब संसद सदस्य भी चाहते हैं कि वो साइकिल से जाए। लेकिन फिर भी कई सारे सवाल तो आपके जहन में भी रहे होंगे ना, कि जब इसकी परमिशन, जब इस चीज की परमिशन आप मांग रहे हैं। सवाल तो कुछ नहीं है, सवाल इतना ही है सिक्योरिटी वाला जी, वो हमारे रिस्क पे भी आ सकते हैं जी, और एक बार हम इसका प्रयोग को हम देखते हैं, खाली एक ही दिन क्यों, डेली भी आ सकते हैं साइकिल पे, ये हमारा विचार है। नहीं बिल्कुल, आपकी सोच वाकई सराहनीय है, इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जब खुद अपील कर रहे हैं, आपके अलावा आपने इस चीज का जिक्र अपने संसद सदस्यों से भी किया होगा, कौन कौन से और लोग हैं जो इसमें रजामंदी रखते हैं? आवाज आ रही मेघवाल साहब? आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर है। मेरा सवाल यह था कि आपने इस चीज का जिक्र कई अपने संसद सदस्यों से भी किया होगा, मित्रों से किया होगा, उनकी क्या राय है इस पर?
कानून का विचार है इसमें और हमने कोई कमेटी विचार कि मैंने मेरा पत्र इनको दिया है, मैंने कहा मैं साइकिल से आना चाहता हूँ तो आप मुझे आने जाने की इजाजत है, ज्यादा मेरा मकान दूर है, हालांकि फिर भी लाइट एक दो तो आएगी जी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जल्दी रवाना हो जाएंगे। है विषय, ये सिक्योरिटी वाला विषय भी है, लाइट वाला विषय भी है जी, लेकिन हम ये कंट्रोल करके चलेंगे और मुझे साइकिल चूंकि ठीक चलानी आती है इसलिए कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए ज्यादा। चलिए अर्जुन राम मेघवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समाचार पत्र से बातचीत करने के लिए। आपने जो कदम उठाया है वाकई सराहनीय है, लेकिन कुछ सुरक्षा के मेजरमेंट भी देखने बहुत जरूरी हैं। बगैर सुरक्षा मेजरमेंट का जब तक पालन नहीं होता है, जब तक उसकी स्वीकृति नहीं मिलती तब तक इसे सही नहीं कहा जा सकता है। मौसम का मूड फिर बदला है। राजस्थान के कई इलाकों में सोमवार रात को धूल भरी आंधी चली और मंगलवार को सुबह सुबह बारिश। मौसम विभाग कहता है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से पश्चिम उत्तर भारत को एक बार फिर अपने चपेट में ले सकता है। मौसम के इस मूड ने किसानों का मूड खराब कर दिया है। राजस्थान के जैसलमेर से सरहदी रेगिस्तान से हवाओं का बमंडर उठा तो देखते ही देखते पूरा शहर काले तूफान की आगोश में लिपट गया। सड़कों पर अंधेरा छा गया, मानो दिन में रात हो गई हो। गाड़ियों की तो बत्तियां जल उठी, लेकिन हजारों घरों की बत्तियां बुझ गई। ये तस्वीरें सोमवार शाम को आए तूफान की हैं। एक बार फिर मौसम का मूड बदला है, जिसने राजस्थान के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में कई बार बारिश और ओलों की मार झेल चुके किसानों के लिए मंगलवार सुबह फिर अमंगल हुई। सुबह हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। मौसम विभाग कई बार अलर्ट जारी कर चुका है, संभावना मंगलवार की भी जताई थी, लिहाजा हुआ भी वैसा ही। मौसम विभाग कहता है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस हो रहा है, जिसकी वजह से समूचे उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत की फिजा में एक बार फिर फुहारे गिरेंगी। कहीं बिजली गिरेगी तो कहीं आंधी अंधेरा करेगी तो कहीं तूफान तबाही मचाएगा। आसमान में बादलों का बदलता रुख भी यही संकेत दे रहा है। राजस्थान में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान के साथ दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में बारिश के आसार हैं। बिगड़ते मौसम का रुख का असर फलों और सब्जियों के दामों पर भी पड़ना तय है। बेमौसम रुक रुक कर हो रही बारिश ने मंडियों के भाव बढ़ा दिए हैं। राजस्थान में अफीम, आलू, गेहूं, सरसों सहित कई फसलों पर मौसम की मार पड़ी है। किसानों पर पड़ी मौसम की मार से मिले जख्मों को भरने के लिए राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन मौसम की मार ऐसी पड़ रही है कि किसानों की सारी आस पानी पानी हो जा रही है। जानवरों के लिए खेतों में बोया चारा भी पानी की आगोश में समा गया। वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी आसमानी यात्रा पर चल पड़ी है, यानी आसमानी आफत की मार में बड़ी महंगाई में पिसने की बारी अब आम आदमी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। आपदा राहत मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने आज बयान दिया कि आपदा राहत के लिए 548 करोड़ रुपए और आवंटित किए गए हैं। कटारिया ने बताया कि कलेक्टर को पहले ही 354 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और अब तक जिला कलेक्टरों को 900 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। सूबे की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे से शिष्टाचार भेंट की है। शिंजो अबे ने जापान के में सीएम राजे का स्वागत किया और जापानी निवेशकों के राजस्थान में निवेश और माहौल को लेकर उत्साह का उल्लेख किया है। सीएम ने जापानी पीएम से राजस्थान की नई निवेश नीतियों के बारे में चर्चा की और आगामी रिसर्जेंट राजस्थान 2015 के लिए जापान को पार्टनर कंट्री बनने का न्योता दिया। कई जापानी उद्योगपतियों से मुलाकात कर जापान और राजस्थान के बीच आर्थिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने की और कदम बढ़ाते हुए 3 एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि हाल ही में खाली हुए स्पेशल टीचर के 485 पदों को जल्द भरा जाएगा। इनमें से आधे पद प्रमोशन के जरिए और आधे पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने यह जानकारी स्कूल के दौरान कार्यक्रम के दौरान दी है। शिक्षा मंत्री जयपुर के राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूकबधिर उच्च माध्यमिक स्कूल में
साइकिल वितरण और चेक वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अपना संबोधन दे रहे थे। मैंने आपको कहा कि आज तक यहाँ पे सीनियर टीचर के पद ही सृजित नहीं थे। पहली बार हमारी सरकार ने विशेष अध्यापकों के जो सीनियर टीचर्स हैं उसके 485 पद सृजित किए हैं। ये आरपीएससी को जा रहे हैं, इसमें से 50% पद डीपीसी से भरे जाएंगे और 50% सीधी भर्ती से। तो जो डीपीसी से भरे जाने वाले उसकी हम तुरंत कार्रवाई करके उन अध्यापकों को यहाँ पद स्थापित कर लेंगे। रिश्वतखोरी के मामले में जेल की हवा खा रहे लालचंद असवाल को जमानत मिल गई है। असवाल को यह जमानत शर्तों पर मिली है। शर्तों के मुताबिक असवाल पर 8 हफ्ते तक राजस्थान में प्रवेश पर रोक रहेगी। जज वी गोपाल गौडा 80 नगपन ने जमानत दी है। लालचंद असवाल नगर निगम के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि लालचंद असवाल के खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज हैं। जयपुर नगर निगम के पूर्व सीईओ लालचंद असवाल पर नगर निगम इसके सीईओ रहते भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। 11 अगस्त 2014 को भ्रष्टाचार में लिप्त 6 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज किए गए। असवाल पर नगर निगम के सीईओ के पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग का आरोप है। राज्य सरकार ने लालचंद असवाल को एसपीओ भी कर दिया है और एक्सीएन पुरुषोत्तम जिसवानी की गिरफ्तारी हुई थी और जिसवानी की गिरफ्तारी असवाल के घर के बाहर हुई थी। जिस दौरान गिरफ्तारी हुई उस दौरान उसके पास से 46 फाइल बरामद हुई थी। जिसवानी ने आरोप लगाया था कि उसने ठेकेदारों से पैसे इकट्ठे किए थे, कलेक्ट किए थे और पैसे वो लालचंद असवाल को देने जा रहा था और उसी दौरान घर के बाहर ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की विशेष टीम नागौर पहुंची है। टीम में एआईसीसी सचिव रुचि गुप्ता, चेयरमैन गोपाल किसावत नागौर पहुंचे। बसवाणी में एक बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाने के मामले में टीम रिपोर्ट तैयार करेगी और सोनिया गांधी को सौंपेगी। मुंडासर में दलित युवती को ट्रैक्टर के साइलेंसर से जलाने के मामले में भी टीम सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपने वाली है। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में लाल खून का काला खेल सामने आया है पर चिकित्सा महकमा है सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। खून के बदले रंग की थैली बेचने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर चिकित्सा मंत्री ने डीजीपी को एक पत्र भेजा है। हालांकि सोमवार देर शाम को भी खून के शक्ल में रंग की थैली बेचने वाले गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि सोमवार को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजनों के साथ धोखा हुआ। परिजनों ने खून मांगा, उसके वाजिब दाम दिए लेकिन खून की जगह उन्हें रंग की थैली थमा दी गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, कार्रवाई हो रही है। ये लोगों की नासमझी का फायदा उठाने वाला एक गिरोह का काम है। हम इस पर सख्ती से इस पर कार्रवाई करने के लिए मैंने डीजीपी को पत्र भी लिखा और कार्रवाई भी। जांच की आवश्यकता होगी तो जांच भी करेंगे, परंतु चूंकि ये सारा वाकया चिकित्सालय के बाहर का है इसलिए अभी प्रारंभिक तौर पर चिकित्सा और चिकित्सालय प्रबंधक से इसका कोई जुड़ाव नहीं है। लांडू में रियल लाइफ बांगवान देखने को मिले, जहां एक अभागी मां को उसके बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया तो पुलिस भी इसे घर का मामला बताकर कार्रवाई करने से बच रही है। अब ये मां अपनी बेटी के घर में रह रही है। उसका बेटा उसके बुढ़ापे की लाठी बने ये कौन मां बाप नहीं चाहता, लेकिन लाडनों की केसर कवर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। बुढ़ापे में केसर कवर का शरीर जब थकने लगा तो उसके बेटे ने उसे धुतकार दिया। जिन बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया उन्हीं बेटों ने जरूरत पड़ने पर माँ को घर से निकाल दिया। दरअसल लाडनू तहसील की जसवंतगढ़ गांव के बाबरी मोहल्ले वार्ड नंबर 16 की रहने वाली केसर कवर के 5 बेटे हैं और पांचों ने ही उसे घर से निकाल दिया। अब पिछले 1 हफ्ते से ये माँ अपनी बेटी के घर रह रही है। माँ ने मैंने परेशान करे, मार पिटाई करे, ठोका मारो ही करे, पर काढ़े काढ़े चार के घर रह रही हूँ। कर रह रही हूँ कितनी फिर हूँ मारे चोरी के घर रह हूँ। कितना दिन हो गया जब चल रही, मैं तो भाग रहा जो उठा रात उठे सुती डरती सारो तो देखना ही पड़ा पता की कोर की को। पुलिस आ रहा है, पुलिस वाला कह के था घर की राड को मैं कहीं करा। पीड़ित माँ जब मदद के लिए पुलिस थाने पहुंची तो पुलिस ने भी घर का मामला बताकर मदद करने से इनकार कर दिया।
अब इस दुखी माँ को अपने ही बेटे बहू से अपना घर और मान सम्मान चाहिए, जिसके लिए वो भटक रही है। पति तो पहले से ही नशे का आदि है और ऐसे में बेटों के इस बर्ताव ने माँ को दरबदर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है। लाडनो से हामिद बाल्फी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। बेटे बड़े हुए तो माता पिता को छोड़ दिया और माँ बाप ने जिस घर को अपनी जिंदगी की सारी कमाई करके खड़ा किया था उसी घर से बेटों ने उसे निकाल दिया। अब माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तेज रफ्तार जिंदगी और पैसे की अंधी दौड़ में शामिल आज की आधुनिक पीढ़ी मानो अपने बूढ़े माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेजकर अपना फर्ज पूरा करने में विश्वास रखती है। तेजी से बढ़ते वृद्ध आश्रम तो यही कहानी बयां कर रहे हैं। क्या वाकई हम इतने बढ़ गए हैं कि आज घर के बूढ़े हमारे लिए बोझ बन गए हैं? जिस घर को इन्होंने अपने खून पसीने से सींचा उसी घर के एक कोने में इन्हें ठिकाना देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों के सुख दुख पर कुर्बान कर दी और जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे तो संतान ने ही साथ छोड़ दिया। वो कहते हैं जैसे भी हम त्रुटि नहीं देख सकते, अब हमें तो थोड़ी सी पेंशन की तकलीफ है, पेंशन वगैरह मिल जाए ताकि अपना तेल साबुन वगैरह जो चीज है कपड़े वगैरह बीमारी लगा ले, अपना टाइम पास कर ले। अब फील क्या होना चाहिए घर से निकाल दो फिर क्या फील होगा, वो हमारे नहीं तो हम उनके क्या है। पुरानी पीढ़ी के ये लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आशियाने के लिए तिनका इकट्ठा करने में गुजार दी, उसी आशियाने में इनकी संतान इनकी सूरत नहीं देखना चाहती। मुझे यहाँ आपातकाल स्थिति माना पाया, घर के अंदर कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा गया परिवार में। एक तो मेरे लड़कों को जो ससुर थे वो और भी कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग और हमारे समाज के भी कुछ लोग है मुझे जान से मारने की साजिश रखी, तो मैं मेरी जान बचाने के लिए यहाँ, जान है तो जहान है, इसलिए यहाँ आकर के बर्दाश्त में शरणा लिया है। अपनों ने जब सहारा नहीं दिया, ठोकरे खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया, तो ऐसे में ये घर इनका अपना बना। निजी स्वार्थों के चलते युवजन या उनके परिजन वृद्धों से कटते हैं और उनका दृष्टिकोण सिर्फ उनकी संपत्ति पर रहता है। संपत्ति जब उनको मिल जाती है और औलाद के नाम हस्तांतरित हो जाती है तो फिर वो अपने वृद्ध माँ बाप की खबर लेना छोड़ देते हैं। यहाँ अपने तो नहीं लेकिन घर जैसा एक अपना घर है। यहाँ बुजुर्गों को खाना पीना और रहने के लिए मकान मिल जाता है मगर वो खुशियाँ नहीं मिल पाती जिनके लिए इन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी। बच्चों की खुशी के लिए दिन रात काम किया इस उम्मीद में कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इन्हें अपने ही घर में ना रहने को मजबूर कर देंगे। बुजुर्गों को किसी वृद्ध आश्रम की जरूरत नहीं है, इन्हें तो बस अपनों की प्यार की जरूरत है। हनुमानगढ़ से गुलाम नबी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार। सादुल शहर के मन्नी वाले गांव में कैंसर अपने पैर पसारता जा रहा है। इस बीमारी के कारण गांव में कई लोग की मौत हो चुकी है और कई लोग इसकी चपेट में हैं। इस मामले को लेकर सरकार भी गंभीर है। ये सादुल शहर तहसील का मन्नी वाले गांव है जो सादुल शहर से 14 किलोमीटर दूर है। इस गांव की आबादी करीब 5000 लोगों की है लेकिन पिछले कुछ सालों में इस गांव में करीब 60 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है और लगभग 30 लोग इसकी चपेट में हैं। गांव में हर महीने कैंसर के कारण हो रही मौत की वजह से इस गांव की पहचान कैंसर गांव के रूप में होने लगी है। विशेषज्ञों की माने तो इसकी बड़ी वजह नहरों में आ रहे प्रदूषित पानी और कीटनाशक है। साथ ही कैंसर की दूसरी वजह खेती और पेयजल में काम आने वाला नहर का पानी है। गंगा नहर जिले में गंग नहर, भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर का पानी पीने और सिंचाई के काम में लिया जाता है। इन नहरों में सतलुज और ब्यास नदी का पानी आता है जिन्हें शुद्धिकरण के बाद भी पानी से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस पानी से होने वाली खेती भी कैंसर का एक प्रमुख कारण बन रही है। हमारे यहाँ पे कैंसर के बहुत ज्यादा पेशेंट है, मतलब लगभग 70-80 आदमी अभी इस बीमारी से
मर चुके हैं और लगभग करीबन 30 आदमी अभी इलाज ले रहे हैं। एक मेरा बड़ा भाई है जो उसकी डेथ हो चुकी है। तो कितना खर्चा आता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो इसका बहुत आता है जी, परेशानियां तो फिर इसमें पूछो मत, आप लगभग 25-30 लाख रुपए एक पेशेंट पे खर्चा आ जाता है। जल संसाधन विभाग के AEN देवेंद्र सिंह के मुताबिक ये दूषित पानी पंजाब से आ रहा है। पंजाब से आने वाली नदियां अपने साथ कई शहरों की फैक्ट्रियों का दूषित पानी लाती है। इस पानी में ऐसे केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण गांव में कैंसर का प्रकोप बढ़ रहा है। जी, ये पानी जो अपना आता है पंजाब गवर्नमेंट से आता है, जो कि सरन फिल्टर से भी आता है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर से भी आता है। उसमें जो पंजाब के जो सीवरेज का सिस्टम है या कोई उद्योगों का पानी जितना गंदा पानी है उसमें डालने से इधर अपने राजस्थान में आता है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने बताया कि सरकार इस बारे में काफी गंभीर है और इसको लेकर पंजाब सरकार से भी बातचीत की गई है। देखिए, जहाँ तक दूषित पानी का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत ज्यादा चिंतित है इस बात से और इसी वजह से जैसे ही मुझे जिम्मेवारी दी गई उन्होंने निर्देशित किया कि पंजाब सरकार से जाकर के बात की। इस सिलसिले में हमने बात की है और पंजाब सरकार है गंभीरता से इस मुद्दे को सुलझाने में लगी हुई है और बादल साहब ने स्वयं चला करके कहा है कि आपकी टीम आकर के ज्वाइंट इंस्पेक्शन करे और जो हम कार्य इस दिशा में कर रहे हैं उसमें कोई कमी खामी हो तो उसमें हमें सुझाव दे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की सूरतगढ़ में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के शुभारंभ के समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बात पर चिंता जता चुके हैं। सरकार इस बीमारी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी जल्द से जल्द सुविधा मुहैया करवाए जाने की कवायद भी तेज कर दी गई है। सादुल शहर से कुलदीप गोयल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। राजस्थान में न जाने कितने कुएं मुंह खोले मौत को दावत दे रहे हैं। प्रशासन की कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। खबर इटावा से है जहां 6 साल का सुनील खेलते हुए कुएं की भीड़ चढ़ गया। वक्त दोपहर 2:30 बजे, जगह इटावा का रोड गांव, एक खुला अंधा कुआ और 6 साल का मासूम सुनील। सोमवार को इटावा के रोड गांव का 6 साल का मासूम सुनील घर के पास खेलते खेलते कुएं में जा गिरा। जिस कुएं में सुनील गिरा उस कुएं पर मुंडेर नहीं थी और वो खुला हुआ था। घटना के वक्त सुनील घर पर अकेला था और उसके माता पिता खेत में गेहूं की कटाई करने गए थे। वक्त दोपहर करीब 3 बजे, परिवार वाले घटना स्थल पर पहुंचे। गांव वालों ने की सुनील को निकालने की कोशिश, गांव वालों को नहीं मिली कामयाबी। अब तक सुनील के कुएं में गिरने की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी और उसके माता पिता को भी ये खबर दे दी गई। मौके पर करीब 3 बजे सुनील के माता पिता पहुंचे और रस्सियों के सहारे कुएं में नीचे जाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी, जिसके बाद गाँव वालों ने प्रशासन को खबर दी। वक्त दोपहर के करीब 3:45 बजे रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंची, गोताखोर कुएं में उतरे, लेकिन ज्यादा पानी परेशानी बन गया। गांव वालों ने प्रशासन को खबर दी तो कोटा से गोताखोरों की टीम बुलाई गई। रेस्क्यू के लिए टीम कुएं में उतरी तो गांव वालों में सुनील के लौटने की उम्मीद जागी, मगर कुएं में ज्यादा पानी होने के चलते सुनील को नहीं खोजा जा सका। करीब 1 घंटे तक गोताखोर सुनील को कुएं में खोजते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वक्त शाम के करीब 5 बजे रेस्क्यू टीम ने कुएं में मोटर डाली,
मोटर डालकर निकाला गया पानी। पिछले ढाई घंटे से सुनील कुएं में पड़ा हुआ था। उसके जिंदा होने या मरने की किसी को कोई खबर नहीं थी। हाँ, हर कोई इस उम्मीद में था कि बस चमत्कार होगा और सुनील फिर एक बार हमारे बीच होगा। रेस्क्यू टीम को कुएं का पानी कम करने के लिए करीब एक घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। पानी निकालने के लिए प्रशासन ने 4 पंप लगाए थे। दिन ढलता जा रहा था और ढलते दिन के साथ उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। वक्त शाम के करीब 7:30 बजे, 7 घंटे का रेस्क्यू, दफन हो गई जिंदगी, सदमे में परिवार, गांव में पसरा सन्नाटा। 7 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद करीब 7:30 बजे सुनील का शव निकाला गया। सुनील के शव के कुएं से निकलते ही सुनील के लौटने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और सुनील के घर वालों पर तो मानो गम का पहाड़ टूट गया। सुनील अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इन अभागे माता पिता के जीने का बस अब एक ही सहारा उनकी बेटी बची है। राजस्थान में जगह जगह मुंह खोले पड़ी मौत ने एक और मासूम को निगल लिया। हर रोज कोई न कोई सुनील राजस्थान के किसी न किसी कोने में अपनी जिंदगी को गवा देता है, लेकिन प्रशासन है कि कोई कार्रवाई नहीं करता। खैर, अब देखना होगा कि सुनील की मौत के बाद प्रशासन कोई कार्रवाई इन कुओं को ढकने के लिए करता है या फिर कोई और सुनील इसी तरह काल के गाल में समा जाएगा। इटावा से सावन कुमार टांग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट समाचार। टोंक जेल में बंद एक कैदी की बीमारी के चलते मौत हो गई है, जहां कैदी के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी में सामने आया कि कैदी रतनलाल टीबी की बीमारी से पीड़ित था। विचाराधीन कैदी रतनलाल को टोंक जेल से 2 बार सादत अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो 3 बार जयपुर के अस्पताल में भी भर्ती करवाने के लिए लाया गया। इन डॉक्टरों ने अमानवीय रवैया दिखाते हुए रतनलाल को अस्पताल में रखने से मना कर दिया। मरीज की हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। जयपुर टीबी हॉस्पिटल से वो 2 बार उन्होंने रिटर्न कर दिया मुलजिम को कि मुलजिम को रखा नहीं जा सकता। ठीक है, मुलजिम ये पोजीशन बहुत खराब थी इनकी। मुलजिम सीरियस था, हकीकत में उसको वहाँ भर्ती रखना चाहिए था। और आज सुबह मैंने इसको तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से अपने डॉक्टर की सलाह से तुरंत इसको सुबह हॉस्पिटल यहाँ सादत हॉस्पिटल भिजवाया था। सादत हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ही मुझे हॉस्पिटल से जवाब मिला कि साहब इसकी डेथ हो गई है। रतनलाल भील करके विचाराधीन कैदी था जो सीरियस गंभीर टीबी बीमारी से ग्रसित था। वो 29 मार्च को हमारे यहाँ पर आया। पेट में कंडीशन तो खराब थी, लेकिन दवाइयाँ लिख करके उसने लिख दिया भाई कंडीशन में सुधार है और ये दवाइयाँ आप ले लेना और उसके बाद में आकर के दिखा देना, या कहीं ज्यादा दिक्कत हो तो आसपास हॉस्पिटल में दिखा देना। उसका डिस्चार्ज टिकट दिखाया मैंने। बांसवाड़ा में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा ली। परिजनों ने महिला और बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां बच्चों की हालत में सुधार है लेकिन महिला की स्थिति नाजुक बनी है। घटना दानपुर थाना क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर गांव की है। इस घटना के बाद महिला के ससुराल पक्ष और न ही पियर पक्ष की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन महिला की हालत खराब होने के कारण उसका बयान नहीं दर्ज कर पाई है। महिला ने आग क्यों लगाई अब तक इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस अपने स्तर से जांच में जुटी हुई है। भिवाड़ी में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। घटना भिवाड़ी के खुशखेड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां युवक ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला ही खत्म कर ली। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब मृतक का साथी कंपनी से घर लौटा। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवाया है। मृतक बिहार का रहने वाला है, जो भिवाड़ी की कंपनी में काम करता था, जबकि मृतक का परिवार फरीदाबाद में रहता है। परिजनों के मुताबिक युवक की शादी हुए महज 1 महीना ही हुआ था। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव परिजनों को सौंप दिया है। बांसवाड़ा के चर्चित अबू लाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को उसके घर से शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक सिराज अब तक नेपाल में रह रहा था। नेपाल से वो खेपरन होकर दिल्ली आया, उसके बाद अजमेर और ख्वाजा के दरगाह पर जियारत करने के बाद वो वापस अपने घर बांसवाड़ा आया। आरोपी के साथ उसका पूरा परिवार था। पुलिस ने बताया कि सिराज ने अबू लाला की हत्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि अबू लाला ने उसकी 1 बीघा जमीन को कब्जा किया था।
आरोपी की माने तो फर्जी स्टैंप लगाकर अबू लाला ने जमीन तो अपने नाम करवाई, बदसलूकी करने पर गुस्साए सिराज ने उसको अपना निशाना बनाया। आपको बता दें कि अंजुमन कमेटी के सदर हुसैन अबू लाला की 12 मई 2014 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर हथियारों के साथ घूम रहे इन बदमाशों को पुलिस ने दुर्गा मंदिर इलाके से दबोचा। पुलिस ने बदमाशों के पास से देशी कट्टा, कारतूस और तलवार बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए 5 आरोपियों में 3 हिस्ट्री शीटर है, जिनके खिलाफ पहले से ही मामले चल रहे हैं। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद होने पर इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। संभावना जताई जा रही है ये लोग कई वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सूचना मिली कि कुछ लोग 4-5 जन हथियार के साथ घूम रहे हैं। ये सूचना मिलने पे सत्या चौकी के पुलिसकर्मी सुंदरमल और मोहर सिंह ने दबिश दी अलग अलग जगह, और वहां पे 4 लोगों को देसी कट्टे, कारतूस और तलवारों के साथ पकड़ा गया। इनमें से 3 कोतवाली थाने के एचएस हैं, राजीव पंडित, बंटी भमीजा और रोहित गोवर उस देर। ये इनके खिलाफ पहले से 307 और मारपीट के कई मुकदमे दर्ज हैं। सादुलपुर शहर में बड़ौदा बैंक की ग्रामीण शाखा को निशाना बनाते हुए नकाबपोश बदमाशों ने 7,12,000 रुपए लूट लिए हैं। बदमाशों ने जिस जगह लूट की वारदात को अंजाम दिया वहां से थाने की दूरी बहुत कम है। इस घटना के बाद पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पुलिस वारदात के वक्त क्या कर रही थी। आपको बता दें कि जनवरी में ही बदमाशों ने एटीएम से 32 लाख रुपए लूटे थे। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 32 लाख रुपए में महज 1.5 लाख रुपए की ही बरामदगी हो पाई है। भवानी मंडी में एक बड़ा हादसा हुआ है। गनीमत रहे कि इसमें जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है। दरअसल वाकया पचपन पहाड़ इलाके की है, जहां रेलवे ट्रैक पर चल रहे काम के दौरान ट्रेन से गिरकर 3 मजदूर घायल हो गए। यहां अंडर ब्रिज बनाने का काम चल रहा था। घायलों को 108 की मदद से सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। घायलों की हालत काफी गंभीर बनी हुई, जिसकी नाजुक हालत को देखते हुए 3 को झालावाड़ रेफर किया गया है। जयपुर में देर रात एक युवक ने एक ऐसा कारनामा किया जिससे रेलवे के अधिकारियों की सांसें फूल गई। दरअसल जयकिशन नाम का एक कपड़ा व्यापारी देर रात कार से सांगानेर की तरफ जा रहा था। तभी सांगानेर और सिद्धासपुरा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित शिकारपुरा फाटक पर अपनी कार से नियंत्रण खो बैठा। तेज रफ्तार में होने के कारण कार रेलवे ट्रैक पर चढ़ गई और चालक कार को सांगानेर स्टेशन की तरफ ले जाने लगा। इसके बाद सांगानेर और सिद्धासपुरा के बीच रेल का संचालन रोक दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे पुलिस ने सांगानेर पुलिस के साथ मिलकर चालक पर काबू पाया और कार को ट्रक से हटाकर यातायात चालू करवाया। आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत 3 अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। खुलेआम सिगरेट पीने पर रोक है और उसके खिलाफ जुर्माना भी तय है, लेकिन फिर भी लोग खुलेआम सिगरेट पीते हैं, क्यों यह रिपोर्ट देखिए। कानून तो बना दिया, लेकिन कार्रवाई का क्या? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कानून का पालन कैसे होगा? अगर पालन नहीं होगा तो कानून का फायदा क्या? लोगों के दिलो दिमाग से कानून का डर ही खत्म हो जाएगा। देश में, प्रदेश में कानून तो कई बना दिए जाते हैं, लेकिन कानून बनाने के बाद जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आता। देश में खुलेआम सिगरेट पीने पर रोक है। कानूनन आप खुले में सिगरेट नहीं पी सकते, और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको 200 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है, लेकिन उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी कानून की बात करते हैं। अब जुर्माना देना पड़ेगा तो सवाल उठता है कि सिगरेट पीने पर जुर्माना वसूलेगा कौन? वाजिब सवाल है, गलती की है तो सजा मिलेगी ही, और सवाल यहाँ ये है कि सजा कौन देगा? चलिए हम आपको बताएंगे कि कानून के मुताबिक
20 लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो खुले में सिगरेट पीते लोगों पर कार्रवाई करते हुए 200 रुपए वसूले। अब मजाक देखिए, ये अधिकारी तो दे दिए लेकिन ये लोग चालान नहीं काट सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इन लोगों को चालान बुक ही नहीं दी गई है। कानून बनाने के सालों बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पुलिस थानों में ही ये चालान बुक दी गई है, बाकी किसी को भी आज तक चालान बुक नहीं मिली है। कानून बनाने से, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कानून नहीं कि किसी को पकड़ के जेल में डाल दो, अगर किसी से जुर्माना वसूल किया जा रहा है तो उस जुर्माना वसूल चाहे 20 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक का जो प्रावधान है जुर्माने का, उस 2000 या 20 रुपए वसूल करने पर उस आदमी को भविष्य में याद रहे। चलिए अब आपको कोटा की हकीकत भी बता देते हैं। अप्रैल 2012 से अप्रैल 2015 तक जिले में सिर्फ 732 चालान काटे गए, मतलब ये कि रोजाना एक शख्स भी नहीं मिला सिगरेट पीते हुए, और 772 में से अधिकतर मामले पान मसाले दुकानों पर ही काटे गए हैं। ऐसे में प्रशासन को इस कानून को अमल में लाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कोटा से नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। भारतीय बॉक्सिंग कोच हेमलता गुप्ता के साथ उदयपुर के होटल में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि होटल के स्टाफ ने हेमलता के साथ मारपीट की। यह घटना एक मशहूर रेस्टोरेंट में हुई और मामला सामने आया हेमलता गुप्ता के मोबाइल खोने के बाद। आपको बता दें कि हेमलता अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई थी। इसी दौरान खाने के टेबल से उनका मोबाइल गायब हो गया। हेमलता गुप्ता और उनके पति ने आरोप लगाए कि होटल स्टाफ से मोबाइल के बारे में पूछताछ करने पर होटल स्टाफ ने मारपीट की। हालांकि मामला पुलिस पर के पास पहुंचा, लेकिन हेमलता गुप्ता और उनके पति का कहना है कि पुलिस ने मामले में हल्की धाराएं लगाई। चलिए आपको एक ऐसा कॉलेज दिखाते हैं जो रसोई घर में चल रहा है। मामला भरतपुर का है, जहां पर कृषि कॉलेज की स्थापना तो कर दी गई लेकिन कॉलेज का भवन नहीं बना। भवन के नाम पर कृषि कॉलेज के पास महज रसोई घर है। यह है भरतपुर का कृषि कॉलेज। 2 साल पहले ही गहलोत सरकार ने कृषि कॉलेज की स्थापना की थी। भविष्य संवारने के लिए यहां राजस्थान के नौजवानों ने एडमिशन भी लिया, लेकिन ये कल का भविष्य आज परेशान है। परेशानी की वजह आप ही जानेंगे तो कहेंगे इसका निवारण आज तक क्यों नहीं किया गया। मैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, जिसमें हमें 3 सेटों में पढ़ाई की जा रही है और हमें रसोई घरों में पढ़ाया जा रहा है। जो टीचर हैं जो समय पर भी नहीं आते हैं और अलाउ भी करते हैं यूनिवर्सिटी, तो वो पढ़ाते नहीं है, यूं ही चलती रहती है गाड़ी। और क्या है, ना ही बस की सुविधा है और ना ही अच्छी फैसिलिटी है लाइब्रेरी की। अब आप ही बताइए कि बिना कॉलेज के पढ़ाई कैसे हो। कॉलेज में जहां बच्चों के लिए खाना की व्यवस्था होती है, वहां चंद कुर्सियां डाली गई जहां इनकी क्लासेस चलती हैं। इस टीम सेट में ना तो पंखों की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की। गर्मी रोज बढ़ती जा रही है, ना तो कॉलेज स्टाफ के लिए जगह है और तो और लाइब्रेरी और हॉस्टल तक की सुविधा नहीं है। और कॉलेज का रूम वगैरह कुछ नहीं है, कॉलेज नहीं बना हुआ है, एक एक अंदर संचालित हो रहा है। और पानी पानी सबकी व्यवस्था, स्टाफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी की कुछ व्यवस्था नहीं है, स्पोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है। आपने अभी देखा ही है कहाँ क्लास लग रही थी, 2-3 के नीचे क्लास लग रही थी गर्मी के अंदर। सरकार ने कॉलेज भवन के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन जमीन नहीं मिलने की वजह से ये कॉलेज कृषि विज्ञान केंद्र में ही संचालित किया जा रहा है। अब प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि जमीन खरीद ली गई है और जल्द ही कॉलेज तैयार हो जाएगा। जमीन के अब आवंटन के अभाव में अभी तक जो है बिल्डिंग नहीं बन पा रही थी। अभी जो बिल्डिंग बन रही है वो भी कृषि विज्ञान केंद्र की एक जमीन है, उसी के ऊपर ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसमें कि 4 कमरे हमें जुलाई तक मिलकर तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अभी जो है ये कॉलेज जो बरंडे के अंदर जो चलाया जा रहा है, इसका मेन कारण था कि राजस्थान सरकार की ओर से हमको जो बेरोजगार युवक युवतियों के लिए जो ट्रेनिंग है और प्रशिक्षण हमको मिलते हैं, वो 4 प्रशिक्षण हमारे केंद्र के ऊपर चल रहे हैं, जिनमें सबसे एक जो लास्ट जो बेरोजगार युवक युवतियों का सिलाई का प्रशिक्षण है वो अभी 15 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। 15 अप्रैल के बाद में हम इन बच्चों की जो क्लास है वो उस कमरे में शिफ्ट कर देंगे।
देश में शिक्षा को संबल बनाने के लिए सरकार पुरजोर तरीके से प्रयासरत है, लेकिन इसकी वास्तविक हकीकत कुछ और ही है। एक ऐसा कॉलेज जिसे बिल्डिंग के अभाव में रसोई में चलाना पड़ रहा है। 2 साल से कॉलेज बनकर तैयार नहीं हुआ। प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि जल्द ही कॉलेज तैयार हो जाएगा। ये काम जल्दी होगा या देर से, ये कॉलेज के उद्घाटन के बाद तय होगा। भरतपुर से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्रस्तुत।